जय माता दी। दोस्तों कैसे हैं आप सब? मैं विनीता, स्वागत है आपका मेरे किचन में। आज मैं लेके आई हूँ बिहार का मिथिला स्पेशल बैंगन बड़ी और आलू की सब्जी, वो भी बिना लहसुन प्याज के। वैसे भी अभी नवरात्रि चालू हो गई है, इसमें ज़्यादातर लोग लहसुन प्याज का उपयोग नहीं करते हैं। मैंने 3 बैंगन और 2 आलू कट करके रख लिया है पानी में, क्योंकि इसको पानी में नहीं रखने से बैंगन काले पड़ जाते हैं। और मैंने ले लिया है 4 मीडियम साइज का टमाटर और 1 कटोरा बड़ी। ये चने दाल और उड़द दाल की मिक्स करके बड़ी बनाया है, मैंने इसको घर में ही तैयार किया है। तो आज मैं कुकर में सब्जी बनाऊंगी, इसमें झटपट बन के तैयार हो जाती है। मैंने लिया है 2 चम्मच सरसों का तेल, इसको थोड़ा गर्म होने देंगे। गैस को हमें मीडियम फ्लेम पे ही रखना है। तेल गरम हो गई है, अभी इसमें हम थोड़ा बड़ी सेक लेंगे। एक से दो मिनट तक ही हमें बड़ी सेकनी है, क्योंकि ज्यादा सेकने से बड़ी पकती नहीं है अच्छे से। देखिए बड़ी सिक गई है, अब इसे हम किसी बर्तन में निकाल लेंगे। मैं इसमें डालूंगी 3 बड़े चम्मच सरसों का तेल, 1 चम्मच 5 फोरन। आपको आपको 5 का फोरन पसंद नहीं है तो आप काला राई भी डाल सकते हैं। 1 चुटकी हींग, 1 तेज पत्ता और 1 सूखी लाल मिर्च। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा सब्जी डालेंगे। अब मैं इसमें टमाटर डाल दूंगी। अब मैं इसमें नमक डाल दूंगी 1 चम्मच। आप अपने स्वाद के अनुसार ले, नमक कम ज्यादा कर सकते हैं। और अब इसको हम 5 से 7 मिनट तक ढक के रख देंगे। देखिए 5 मिनट हो गया है, सब्जी से थोड़ा बहुत गलने लगी है। अभी इसमें मसाला ऐड करूंगी, 1 से 1.5 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 से 2 चम्मच मिर्ची पाउडर। अगर आपको ज़्यादा तीखा खाना पसंद नहीं है तो आप कम कर सकते हैं। और 1 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, इससे कलर बहुत अच्छा आता है। मसाले के साथ थोड़ा देर सेक देंगे इसको। और 1/2 चम्मच जीरा पाउडर। देखिए सब्जी सेक गई है मसाला के साथ। अब इसमें मैं डाल दूंगी बड़ी जो मैंने फ्राई करके रख लिया था। और मैं डालूंगी 1 से 1.5 कटोरा पानी। अब मैं इसका ढक्कन बंद कर दूंगी और इसको 2 सीटी आने तक पकने दूंगी। देखिए सब्जी बन के तैयार है, बड़ी भी अच्छे से फूल गई है।
अब हम इसे किसी बर्तन में निकाल लेते हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा धनिया पत्ती डालेंगे। अगर आपको मेरा ये रेसिपी अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर कर दें, और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें।